वेतन विसंगतियों को लेकर राज्य के प्रमुख नर्सिंग संगठनों ने की राज्य भर में संयुक्त संघर्ष की घोषणा। सवाई मानसिंह चिकित्सालय के जेएमए सभागार में राजस्थान के प्रमुख नर्सिंग संगठन राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एवं राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रमुख प्रदेश एवं जयपुर जिलाधिकारी कार्यों की आयोजित संयुक्त बैठक में नर्सेज ने सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त संघर्ष मोर्चा खोलने की घोषणा की। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी, नरेंद्र सिंह शेखावत तथा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, भूदेव धाकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य स्तरीय राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की घोषणा कर बताया कि एक ओर मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री सार्वजनिक मंचों से नर्सेज कोरोना वॉरियर्स की सेवाओं की तारीफ करते हुए नहीं थकते तथा मांगे करो हम पूरी करेंगे यह कहते हुए भरोसा दिलाते हैं, वहीं दूसरी ओर नर्सेज की लंबित 11 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर और लंबे समय से लगातार ज्ञापन और सांकेतिक ध्यान आकर्षण प्रदर्शनों के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता के चलते 4.5 साल बीत जाने के बाद भी निर्णायक कार्रवाई न होने से राज्य के आपातकालीन नर्सेज संवर्ग को सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले को लेकर राज्य स्तरीय राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का गठन जल्द ही 11 सूत्री मांगों को लेकर आने वाली 1 जुलाई को सवाई मानसिक चिकित्सालय के नर्सेज कर्मी विरोध प्रदर्शन करेंगे और मांगे नहीं माने जाने तक राज्यव्यापी संघर्ष की घोषणा भी करेंगे। नव भारत समाचार जयपुर राजस्थान से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान की दो बड़े संगठन जो लंबे समय से राजस्थान की नर्सेज की विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रयास थे, राजस्थान राज्य नर्सेज और राजस्थान नर्सेज, हमारे सम्मानीय भाई राजेंद्र जी राणा, नर्सेज को नई दिशा देने वाले नरेंद्र सिंह शेखाव साहब, भूदेव धाकर जी, हम सब के प्रवीण दसोत्तर भाई, रामचंद्र यादव बुनकर जी, पुरुषोत्तम कुंभ जी टीएनआई के अध्यक्ष और भाई हमारे कैलाश जी महासचिव, आज संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान नर्सेज का पूरे जयपुर जिले के सक्रिय पदाधिकारियों की आज एक अति आवश्यक मीटिंग हुई है और हमारा 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर हम एक ज्वाइंट कमीशन के साथ सरकार से लड़ना चाहते हैं, जिसमें हमारी सबसे मुख्य मांग है कि नर्सेज का कैडर का गठन किया जाए, पुनर्गठन, क्योंकि आए दिन अस्पतालों में मरीजों की भयता बढ़ती जाती है, चिकित्सकों के वार्ड हो गए, विभागाध्यक्ष बढ़ते जाए पर नर्सेज का कैडर का गठन नहीं हो पाता है। दूसरी है कि केंद्र हो या वेतनमान भत्ते, हमारे जो केंद्र के अनुसार आप देखिए कि जेएन और एक सब इंस्पेक्टर 3600 ग्रेड पे होके और वो 6800-6000 तक जाता है, एक नर्सेज का कैडर 4200 पे स्टार्ट होके और वो 5400 पे खत्म हो जाता है। राजस्थान की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्री की सरकार की योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र पहुंचाने वाली हमारी एनएम और एलएचवी जो रीढ़ की हड्डी है उनका पदनाम, उसके साथ हमारे नर्सिंग ट्यूटर है उनका तीनों का पदनाम परिवर्तन की मांग, साथ ही राज्य के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी संविदा कॉन्ट्रैक्ट और अन्य एजेंसियों के तहत जो नर्सेज की भर्तियां की जा रही है उन भर्तियों का विरोध करते हुए इस मांग पत्र में संलग्न है। साथ ही हमारे शिक्षा क्षेत्र में उस प्रशिक्षण पदों के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनके अंदर जो वेतनमान है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, साथ में एनएम जो जीएनएम का कोर्स करते हैं उनको पदोन्नति का लाभ, इन विभिन्न मांगों को लेकर आज ये राजस्थान की संयुक्त संघर्ष समिति ने हमारा एक बहुत बड़ा मीटिंग का आयोजन किया। हम आपके पत्रकारों के माध्यम से राज्य के लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत से निवेदन करते हैं, ये देश में विराजमान अभी हमारे सम्मान्य साथीगण, के राजस्थान की नर्सेज हमेशा सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर सीमित संसाधनों के साथ भी पहुंचा पाई है, तो हम आपसे माध्यम से अपील करते हैं कि हम हमारे मांग पत्र को कल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्री को ज्ञापित करें, आपके माध्यम से मांग करते हैं कि राजस्थान की जो नर्सेज की जो लंबित मांगे हैं उनको शीघ्र पूरा किया जाए, तो एक राज्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसमें आगे क्या आंदोलन है उसमें हमारे नरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और हमारे राजेंद्र जी आपको बताएंगे कि उसमें आगे क्या। नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का बयान लगातार आया, अभी पिछले दिनों 12 मई को हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने कहा कि नर्सेज को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे, मगर आज स्थिति क्या है, आज स्थिति यह है कि एसीपी जो नई नियम बनाए वो प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाए, विभागीय अधिकारियों ने बनाए, मुख्यमंत्री जी को ये पता ही नहीं है कि इससे राजस्थान का सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर जो नर्सेज परिवार है वो राजस्थान के अंदर ही वित्तीय विसंगति से ग्रसित हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए, हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है और अभी भी वो फाइल है, मुख्यमंत्री जी वित्त को कह देते हैं, हमारी तमाम सारी मांगे वित्त में अटकी हुई है, उन वित्तीय व्यवस्थाओं को वो निकले उसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रयास करें, और अगर ये नहीं निकलती है, कई बार होता है मुख्यमंत्री जी मंत्री जी चाहते हैं मगर वित्त विभाग उसकी कंसर्ट नहीं देता और नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद जो भी होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी तो हमारे साथ, चिकित्सा मंत्री जी तो हमारे साथ है, मगर निश्चित रूप से जो ब्यूरोक्रेसी जो कर रही है उसकी वजह से जो नेगेटिविटी जो उत्पन्न हुई है राजस्थान में चारों तरफ,
चौथी बार राजस्थान सरकार इस तरह की बातें हो रही है, ओपीएस सरकार की बात हो रही है, मगर नर्सिंग समाज आज अगर माननीय नरेंद्र जी ने कहा कि हम हड़ताल तक पे जाने के लिए मजबूर और विवश हुए हैं, तो ये सब जो ब्यूरोक्रेसी का खेल है मुख्यमंत्री जिसको समझें और यथाशीघ्र आंदोलन पे नर्सें जाए और रोगी परिवार राजस्थान में कहीं परेशान हो पीड़ित हो तो हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी इस पर तुरंत संज्ञान लें, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से अपने वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों को लेकर के संघर्षरत रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमने 4.5 साल पूरा भरोसा किया और अभी भी हम उन पर भरोसा है, मगर प्रशासनिक स्तर पर नर्सेज की किसी भी ज्वलंत वित्तीय गैर वित्तीय मांग पर सरकार का अब चूंकि अंतिम कार्यकाल चल रहा है अब तक ये पूरा नहीं हो पाया और ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में जो नई एसीपी नियम बनाए हैं 2023 में उसके तहत अब नर्सेज को राज्य में ही उसकी विसंगति उत्पन्न हो जाएगी समकक्ष जेईएन शिक्षक और सब इंस्पेक्टर और अकाउंटेंट्स के माध्यम से और ये बहुत बुरा होगा क्योंकि राजस्थान में सेकंड ग्रेड पर नर्सिंग कर्मचारी 4200 के ग्रेड पर भर्ती होगा और 5400 ग्रेड पर लेकर के तृतीय श्रेणी कर्मचारी के अनुरूप वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो ये असहनीय है। संविदा कर्मचारी 9500 रुपए पर जयपुर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सफाई कर्मचारी को लगाया जाता है और वहीं 7900 रुपए पर राजस्थान में क्वालिफाइड बीएससी और एमएससी नर्सेज को लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं ये क्वालिफाइड पढ़े लिखे वर्ग का इससे बड़ा कोई अपमान और आर्थिक शोषण नहीं हो सकता, इसलिए नर्सेज तो मजबूर हुई है, विवश हुई है और आज ये जो संयुक्त संघर्ष समिति बनी है पूरे राजस्थान की नर्सेज में इसका संदेश है। 18 मई से हमारा हमने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया था जयपुर में और अब इसकी परिणति 1 जुलाई को हो जाएगी और उसके बाद में पूरे राजस्थान से ब्लॉक लेवल तक से यहाँ बड़ी संख्या में नर्सेज के लीडर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में फिर अगर आर पार का एक संघर्ष अगर जरूरत पड़ती है तो होगा और वो अगर होगा तो प्रशासनिक लेवल पर होगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी तो चाहते नहीं कि राजस्थान का कर्मचारी कोई आंदोलन करे, मगर अब स्थिति ऐसी बन गई है तो मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें अन्यथा राजस्थान का अब तक के नर्सेज के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन सबसे बड़ा संघर्ष यथाशीघ्र राजस्थान में होने वाला है और उससे अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार की जो प्रशासनिक उदासीनता जो है ना उसकी उसकी वजह बनेगी। मैं राजेंद्र राणा बहुत बहुत बैठक और संयुक्त संघर्ष समिति का हमने गठन किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी नर्सेज दिवस पे शिक्षा मंत्री जी ने मीडिया के समक्ष पूरी राजस्थान के नर्सेज के बीच में कहा कि जो मांगो हम देंगे। हम राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, एक ध्यान आकर्षण आंदोलन हम शुरुआत कर रहे हैं कि राजस्थान के नर्सेज की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पूरे सेवा काल में एकमात्र प्रमोशन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर नर्सिंग ऑफिसर बनाया है तो वो 36 साल की सेवा के बाद में नर्सिंग ऑफिसर पद से ही सेवानिवृत्त हो जाता है, आगे की जो पदोन्नति के जो पद है वो अवरुद्ध है, पद है ही नहीं, आगे क्रिएट कर रखे हैं लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि पदोन्नति हो ही नहीं पाती। ऐसे हालात हमारे वेतनमान के हैं जो अभी मेरे से पूर्व वक्ता राजेंद्र जी बता रहे थे। हमारे 7000 से लेके 22000 22500 रुपए की डिफरेंस है हमारे मूल वेतन में, बहुत बड़ा एक डिफरेंस है और राजस्थान के तमाम जो नर्सिंग कर्मी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम जो है एक बैठक करके सबसे पहले जयपुर में जो है एसएमएस हॉस्पिटल में हम एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करें। 1 तारीख को 1 जुलाई जो इंक्रीमेंट डेट होती है उस दिन हम सब मिलकर जयपुर के लोग वहां प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन देंगे और उनको हम ध्यान आकर्षण करेंगे कि आपने जो कहा है कि मांगों के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा, हम पिछले 4.5 साल से मांगों के लिए लड़ रहे हैं लेकिन उन मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं, हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। दूसरा हमारे इसके बाद में निर्णय है, उनको ज्ञापन देने के बाद में हम शीघ्र ही 10 तारीख को हमारे जो तमाम संगठन है, हमारे जो प्रमुख संगठन है इनके नेतृत्व में जो तमाम संगठन है अन्य जो है उन सबके साथ एक मीटिंग बुलाएंगे हम और उसमें प्रांतव्यापी आंदोलन की घोषणा करेंगे। इसके लिए चाहे हमें धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, रैली निकालनी पड़े, चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े, चाहे सामूहिक अवकाश लेना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे कर्मी अनशन करना पड़े, यह सब हम लास्ट तक करेंगे और किसी भी परिस्थिति में हम दर्शन की मांगे मनवाएंगे।